अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। आज हमारा फर्स्ट ईयर का थर्ड लेक्चर है और जो हमारा टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर क्या है और इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज और टाइप्स है वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन की सेट, जो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हम फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है ही सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम को हल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस हो गया, वो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंटीवायरस हो गया, उसको हम वायरस को कंप्यूटर से अपने सिस्टम से आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। जो हम इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर काम करता है। जो सॉफ्टवेयर की अकसाम है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है जो के कंट्रोल और मैनेज करता है ऑपरेशंस को कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इट कंट्रोल्स द यूसेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये बहुत से हार्डवेयर कंपोनेंट को कंट्रोल करता है। इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशन एज फॉलोज। जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेशन कंट्रोल करता है वो ये है, सेविंग डाटा ऑन डिस्क। ये डिस्क में डाटा को सेव करता है। मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस। प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। सिस्टम सॉफ्टवेयर सेविंग डाटा ऑन डिस्क और मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस और प्रिंटिंग आवर डॉक्यूमेंट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वो ये है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइसेस, ड्राइव्स। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। पीपल लोग जो यूजर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को के अकॉर्डिंग जो हमें ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन पैकेज के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आ जाता है कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं आगे वो उन्होंने बताई हुई हैं। द मेन कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोइंग। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद आ जाते हैं, इट इज डिवेलप टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन।
अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी डिवेल्प बाय अ सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स। द कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज मोर देन पैकेज सॉफ्टवेयर। जो एग्जाम्पल है वो है अ सॉफ्टवेयर डिवेल्प्ड फॉर अ प्रैक्टिकल पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। यूनिवर्सिटी अपना एक सॉफ्टवेयर डिवेल्प करती है, तो ये एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल हो सकती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी का LMS हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर यूनिवर्सिटी का जो भी हो या कॉलेज का भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में आ सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। उसके बाद आता है पैकेजेस सॉफ्टवेयर। पैकेजेस सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज डिवेल्प फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। इट एनेबल्स द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज। पैकेज सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली डिवेल्प बाय एक्सपर्ट प्रोग्रामर। एग्जाम्पल्स वर्ड प्रोसेसर सच एज MS Word है जो पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। स्प्रेडशीट सच एज MS Excel ये भी पैकेज सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर सच एज MS SS और एंड ओरकल एटसेट्रा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर सच एज कोर्ड्रा एंड अडोब फोटोशॉप। एग्जाम्पल्स पैकेज सॉफ्टवेयर की। आगे आ जाते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इट इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो जनरल पर्पस है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर है। इट इज यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए होता है, कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट एग्जीक्यूट्स ऑल द टाइम इन कंप्यूटर। इट एग्जीक्यूट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट होता है हर टाइम कंप्यूटर में। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हमें उसकी जरूरत होगी तो तब वो एग्जीक्यूट होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की निस्बत। इसमें ये बताया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ज्यादा है सिस्टम सॉफ्टवेयर की निस्बत। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज असेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज नॉट एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर वर्क। ये एसेंशियल होता है, ये नॉट एसेंशियल होता है। आज का लेक्चर हमारा यही एंड होता है। इसके बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए हुए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया।